आज कोरोना की बदौलत जहां सैकड़ों लोगों का रोजगार छीन गया है, तो सैकड़ों ऐसे परिवार हैं जिनके सर से 2 जून की रोटी का जुगाड़ करने वाले का साया भी उठ गया है। दुखद बात यह है कि कई बच्चों के सिर से उनके माँ बाप तक का साया उठ गया। ऐसे में हिमाचल की सरकार ने अनाथ बच्चों के लालन पालन और उनकी शिक्षा दीक्षा के लिए नया बीड़ा उठाया है। प्रदेश की सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री सरवीण चौधरी ने कहा कि प्रदेश सरकार ऐसे बच्चों का डाटा एकत्रित करेगी जो इस महामारी के दौरान अपने अजीज परिजन माँ बाप को खो चुके हैं, यानी पूरी तरह से अनाथ हो गए हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश और केंद्र की सरकार अब ऐसे बच्चों को उनका सामाजिक हक दिलवाने का बीड़ा उठा रही है ताकि वो अपनों के भावनात्मक भाव के अभाव में पीछे ना रह जाएं और खुद को हीन भावना का शिकार ना समझें। सरवीण चौधरी ने कहा कि सरकार ने ऐसे बच्चों के लिए 3500 रुपये प्रति माह देने का फैसला लिया है, जिसमें 2000 रुपये केंद्र की ओर से पीएम राहत केयर के जरिए और 1500 रुपये हिमाचल सरकार के जरिए देने का प्रावधान रखा गया है। इतना ही नहीं, इन बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मुहैया करवाने के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय और बेटियों के लिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में दाखिला दिलवाया जाएगा ताकि वो भी अपने भविष्य को शिक्षा के इन मंदिरों में उज्जवल बनवा सकें। उन्होंने कहा कि इस महामारी के दौरान किसी भी प्रकार का शिकार हुए लोगों को उनका हक दिलवाने के लिए सरकार वचनबद्ध है और हमें दुख है। हमारी कोशिश है सरकार की कि सब लोग बचें, लेकिन फिर भी ऐसी कुछ कई जगह पे अप्रिय घटनाएं हुई हैं। उसके लिए हमारी संवेदना भी है और जो ऑर्फन हो गए बच्चे, अनाथ हो गए, उनके लिए सरकार ने 3500 रुपये महीने देने की बात भी रखी है, जिसमें 2000 रुपये केंद्र सरकार, 1500 हिमाचल की सरकार जो है वो देगी और 18 साल तक उसका जो प्रीमियम होगा वो भी केंद्र के पीएम फंड से ही उनका वो सब जाएगा। और इसके अलावा केंद्रीय विद्यालय नवोदय में दाखिला बच्चों को देने की बात कही, आयुष्मान में उनको कवर कर दिया जा रहा है हिमाचल सरकार की ओर से। इसके साथ साथ जो है ये लड़कियों के लिए विशेष रूप से कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में दाखिले में प्राथमिकता भी उन लोगों को दी जाएगी और मुख्यमंत्री कन्यादान योजना वगैरह इस सब में जो है उन बच्चों को प्राथमिकता के आधार पर कवर करने की बात जो है वो रखी गई है। जो बच्चे ऑर्फन होंगे कोविड की महामारी में, उन बच्चों के लिए सरकार की जो जिम्मेवारी है उस जिम्मेवारी का निर्वाह भी सरकार करेगी।